तो यार हम ये वीडियो देख रहे हैं आज इसका नाम है वट इंडियन थिंक ऑफ यू एस एशियन बॉस ये एक इंस्टाग्राम पे हमें किसी ने रिकमेंड करी है और मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि हमारे इंस्टाग्राम नीति एन रमन है उधर आप डीएम में हमें रिकमेंडेशन भेज सकते हो फॉर रिएक्शन वीडियो और जब आए ही हो तो फॉलो भी कर जाना हाँ तो हम देख लेंगे और आपका नाम भी मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में किस किसने वो वीडियो रिकमेंड करी है याद रहेगा ना आगे दोस्ती बनती रहेगी बॉस America has been recognized as a leading global superpower for decades, but more nuanced global perspectives on America often go unnoticed. Given that US President Donald Trump has spoken very highly of Indian Prime Minister Modi, of we thought it would be interesting to hear what everyday Indians think about Trump and about America in general. Trump. So let's turn it over to our agent boss reporter in New Delhi to hear what people have to say. Okay. What is your current impression of the United States?

यार ये कैसी बातें कर मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप कि आप बोलते हो ऐसे ताकि वो वो बोल नहीं नहीं फिर वो सच होगी ये ना कुछ लोग मेटिकुलसली हार्ड वर्किंग इंटेलैक्चुअल ऑर्गेनिज्म कर रही हूँ मतलब ऐसा ना ज्यादा एडजेक्टिव डाल के सिंपल सी बात बोलते हैं कि आ, very, uh, 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 मैं अच्छा, हुँ। हुँ। मतलब मैं काम वाली लड़की हूँ मतलब काम कर लेती हूँ मैं

को पहले पहले सबसे ये बात बताओ कि जो तुम वहाँ बैठ के वेले मार रहे हो ये हैं एशियन बॉस की वीडियो में आके इतने बड़े बड़े कोटेशन दे रहे हो कि वी कैन एक्चुअली मूव इन देर हैव अ बेटर लाइफ तो वट आर वाई आर यू नॉट ट्राइंग टू क्रिएट दैट बेटर लाइफ इन योर ओन कंट्री विच हैज गिवन यू सो मच

क्राउड uh, होता है ना कॉलेज वाला इन को यहाँ पर थोड़ी फ्रीडम कम मिलती है है क्योंकि घर वाले रिस्ट्रिक्ट करते हैं सच बात ये देश की बात नहीं है और फिर वो सोचते हैं हम बाहर निकलेंगे तो एंजॉय मार लेंगे और फिर वो बाहर जाके अलग यार मार लो ना एंजॉय होता है मार लो एंजॉय जब आपको बीस साल की उम्र में पास जाना पड़ जाएगा ना और आपके पास कोई नहीं होगा बात करने के लिए वो होती है बाहर की जिंदगी पहुंच गई है तो और हमारी जिंदगी ये कि हमारे पास लोग ही इतने तो होते हैं तो लो हमें लो कभी के पास। जाते हैं वो अब शुरू हुआ ना कल्चर क्योंकि अब फोन आ गए हैं टीवी आ गए हैं स्यापे पड़ गए हैं तो अब लोग एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे से बात नहीं करते देखना बंद मतलब मतलब कहने का ये है नाउ वी आर मूविंग वेस्टर्न कल्चर सब अपने अपने घर में खाना खाते हैं वरना हमारा एक डिनर टाइम होता था उस टाइम कोई फोन भी नहीं हाथ लगाता था टीवी भी नहीं चलता था सब बैठ के घंटों खाना खाते खाते बातें करते थे और खाना खाने के बाद भी हाथ में दाल चावल सूख जाते थे बट गप्पे चलती थी है ज द कनेक्ट बिटवीन द फैमिली यहाँ पे नहीं है वही बात है कि जब साठ साल में किसी को थेरेपी जानी पड़ती है इंडियंस को या पहले भी इफ़ यू गॉन थ्रू समिंग इन योर लाइफ एंड आर नॉट फीलिंग योर सेल्फ देन इट्स फाइन आई एम नॉट से बट द स्टैथ शो दैट वी एज द yeah in general what's your impression of americans if you know वो पसंद करते हैं अपनी लाइफ में कुछ भी करना मींस दे डोंट आगे सुनना हां मींस दे डोंट डू लाइक थिंग्स कि हमें नहीं करना है वो ज्यादा सोचते नहीं है दे लिव देयर लाइफ लेट्स टॉक एंड वी डोंट लीव आवर लाइव्स अपनी लाइफ को लिव करना वो करते हैं और हम नहीं करते हैं इसका Sasi. अच्छा व्हाई वेयर वा, इज दिस कमिंग फ्रॉम ये जो हमारी यंग जनरेशन है वो ऐसी बातें इसलिए बोल रही है क्योंकि उनको लगता है कि बाहर जो है ना सब लोग वो सब कुछ करते हैं जो वो करना चाहते हैं तो यहाँ भी सब लोग सब कुछ जो करना चाहते हैं वो करते हैं मानो मेरी बात आई एम नाइनटीन सेवेंटीज पर्सन एंड आई हैव डन एवरी थिंग दैट आई एवर वॉन्टिड टू डू इन माई लाइफ डिस्पाइट वट एवर सिचुएशन एंड सर्कमस्ट आई एम स्टिल रॉकिंग एंड डूइंग शिट वट एवर आई वॉन्ट इवन दो इट्स राइट एंड रॉन्ग तो मेरे को ये 2000 में पैदा हुए बच्चे तो कतई ना बोलो कि आप नहीं कर सकते तो आप सब कुछ कर तो सकते हो तो बेसिकली समझ रहे हो बट मेरा मेरा कहना ये है कि ये सोसाइटी और ये सब की बातें मैंने मैंने अभी कुछ पीछे यंग uh, मतलब young मतलब जो ट्वेंटीज़ में हैं या अभी अभी टीन हैं या कॉलेज जस्ट कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उन लोगों को एक एक सोचते हैं वो कि हम लोग फ्री नहीं है दे आई डे डोंट फील फ्री अगर आप किसी से ऐसे नॉर्मल बात करो ना फ्रीडम नहीं है यार यहाँ पर ये यह, वो तो बेसिकली सोसाइटी और आपकी फैमिली आपको लिमिट करने की कोशिश जरूर करती है बट इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू गो आउट एंड ऐसा नहीं कि बाहर जाके कुछ भी करना शुरू कर दो मगर आप अपने आप को कैसे पॉलिश करते हो आप अपने आप को एक्सपोजर कैसे देते हो आई मेट पीपल जो कि अपने घर से निकलना ही नहीं चाहते वो दूसरी सिटी में किसी हॉस्टल में रहना या कॉलेज में पढ़ने के आइडिया से ही को, कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकते घर में इतना कंफर्ट है hmm. तो आप उससे बाहर निकलते ही नहीं हो तो हाउ वुड यू नो डू समथिंग

Freedom, mil freedom, mil it's a, another big debatable topic. But okay, we are not specialists. Let's mm. go forward. I see Americans I see. as a bit of the show of people. They have <laughs> their own world, and they are very proudy, and they think that there's no one above them. I find that uh, some people they get really racist uh, against Indians. Take uh, the Shahrukh Khan. Uh, case into consideration like every time he goes to visit america the policemen always stop him just because he's a muslim so i think the racism is a the problem in america like they are more open to you know talking to different kind of people and you know from other races and कंट्रीज इट्स लाइक द व्हाइट माइनॉरिटी इट्स लाइक इट्स दैट माइनॉरिटी इज अ लिटिल ऑर्थोडॉक्स इन देयर थिंग्स थिंकिंग ये फील्स आज इफ यू नो द इंडियन्स या द अदर व्हाइट पीपल माइनॉरिटी में है यहाँ वा मेजोरिटी में व्हाइट हैं यूएस में मुझे तो इस बहन की बात समझ नहीं आ

हम लोगों ने भारत देश, देश में अंग्रेजी अंग्रेजों से ही सीखी और उन लोगों ने ब्रिटिशर्स ने राज किया था और वही हमें अंग्रेजी सिखा के गए करेक्ट वहीं से बेस आया तो इसलिए हम वो वाला एक्सेंट बोलते हैं सो so, मैं आई डोंट अग्री टू दैट स्कूल ऑफ थाट कि हम किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा या बुरा बोले वो एक्सेंट अच्छा नहीं है वो एक्सेंट बुरा है वो उनका है वी हैव टू डिफरेंसेस राइट आप exactly. एक अलग तरीके से बोलते हो और कोई और एक अलग तरीके से बोलता है और जब वो हम जब हम जब कॉल्स कॉल सेंटर में कॉल्स लेते थे और मुझे उनको एक अंग्रेज बातें करते करते उसको ये मेरी साउंड से पता लग जाता था कि मेरा ड और ट थोड़ा हार्श है तो उसको पता लग जाता कि इंडियन है तो वो अगर मुझे आगे से गाली निकाल रहा है या नीचा समझ रहा है are, are वाला टाइम 2007 में नौकरी स्टार्ट की थी ठीक है तो वो उसकी प्रॉब्लम है दो हजार मैंने दो शुरू चार थी देख रहे हो वो उसकी प्रॉब्लम है अगर कुछ ऐसे लोग होते थे जो कि बहुत प्यार से बात करते थे और उनको ये होता था फेल्ट प्राउड

After that, there have been security issues with them, but that is okay. It's their country; they have every right to do so. It really depends on where you are. A lot of my friends they've gone to the U.S., and some of them um, they don't face difficulties at all, while others um, like they're facing racism on a day-to-day -day basis. A friend of mine, he's uh, he's in he was in uh, Wake Forest, and. Um, he faced racism, racism on a day to day basis. Like they, they'd make fun of him, they, they'd tell him he smells of curry and stuff. My younger brother also has had certain instances in school where, being an Indian, he's not exactly faced racism that would like call him, but yeah, there have been instances of very mild racism, but it's racism nonetheless. Racism is racism. That's basically so because the. But a friend, Usne. अपनी पूरी लाइफ वहाँ पे सेट करी कॉलेज के बाद वो उधर चला गया और आज ही इज़ फेसिंग सम लीगल इश्यूज जस्ट बिकॉज और और ये चीज़ लॉयर को भी पता है जो भी वो है ठीक है प्रोसिक्यूटर को भी पता है कि वो जो इश्यूज फेस कर रहा है वो सब बिकॉज ऑफ रेसिज्म है बिकॉज इज इंडियन ही इज़ मैरिंग मैरिड टू अ लेडी फ्रॉम द यू एस और वो उस चीज़ की वजह से वो इशूज़ फेस कर रहा है पिछले एक साल से ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके वो आप डरो डर के रहो मगर ये बात सच है स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ माई फ्रेंड्स दैट दे आर स्टिल इन डिफरेंट कंट्री जो उनकी अपनी हो चुकी है हमारे साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है राइट right? mm -hmm. तो ये चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट सही कि बस बैक पैक करो और इन्जॉय करने चलेंगे तो ऐसा I लग रहा है इनको देखिए हम इंडियंस कितने जजमेंटल ठीक है हाँ हम आपस में ही बहुत कुछ इंडिया के अंदर अंदर में ही बहुत ऐसा कुछ बातें करते हैं तो बाहर वाले हम पे करेंगे तो वो बात तो अलग ही दुनिया की बात हो गई मगर हम बाय आवर ओन थॉट्स इफ यू इफ़ यू रिकलेक्ट कई बार आप अपने आप को कंट्रोल करते हो बट आप वो बातें कर देते हो क्योंकि आपके पेरेंट्स को आपने वो करते हुए सुना है इट्स इट विल टेक टाइम धीरे धीरे मगर ये जजमेंटल कमेंट्स जो मेरे को दिख रहे हैं ना इधर तीन चार लोग <laughs> मिल बोल रहे हैं ही पढ़ रहा है अच्छी बात है मगर उसका भाई एक है ना लाखों थोड़ी है तो आई थिंक जो भी लोग ये वीडियोज बना रहे हैं थिंक अबाउट यूएस कोई बंदा यूएस में बैठ के देखेगा तो ही विल नॉट गेट अ ग्रेट इम्प्रेशन एंड इट इट शुड नॉट बी विद दिस थ्री फोर पीपल राइट इट शुड भी मोर पूल ऑफ पीपल chunk of people ek हाँ, data jo hota hai uske data mein kya kahan jaau data points zyada hone chahiye to come to the conclusion uh, what was the latest news that you saw from america so like, gunfight gun, yeah. Illegal killings everywhere. It's everywhere. quite scary, but I think we have terrorist attacks in India and there is mass shooting in America and Both are equal, I think. Being a, a, the most powerful nation in the world, I think that is not everyone expects from that country. Heartbreaking, actually. Exactly. Yeah. It's disappointing from a country like that to hear such news. Most of what the mass shooting. वो ये पुरानी वीडियो है ना तो ये गन वायलेंस की बात कर रहे हैं और ये चार साल पुरानी है तो कोई हुआ होगा उस समय रिसेंटली जब ये बता रहे हैं अब जैसे वो था एक ब्लैक मैन यू नो जो भी उसके साथ पुलिस वालों ने किया एंड ही डाइड ठीक है वो आया था तो उसके ऊपर हैश टैग चलने लग गया और इट्स इट्स अ सैड थिंग एंड ऐसी चीजें बहुत दुनिया में बहुत ज्यादा होती हैं मगर आपको ज्यादातर वो चीजें पता होती हैं जो ज्यादा हाईलाइट करी गई हैं मीडिया के अंदर और आए दिन इससे कम से कम सौ गुना ज़्यादा चीज़ें आपके देश में भी हो रही होती हैं मगर सैड पार्ट यह है कि आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो क्योंकि वो या तो इस समय ज़्यादा मीडिया दिखा रहा है या वो इन और कूल कॉन्वर्सेशन है जिसपे द You know, young people talk, and it becomes a new viral thing. They've been done by the white, the whites, white yeah, yeah. teenagers, it's not, basically. It's not the other. So race. I think it's something about their bringing up yeah. over there, the way you know they are accustomed in their heads. Like you know, they are the superior people. Can you imagine all these mass shootings happening in India? If by any chance our laws were a little less, you know, stringent than this. There would have been like mass killings every other every day, way. every Achha. other day. Yeah. I think we would have far yeah, the nah. US in these these kind of killings, yeah. the kind of people, the kind of mentality we have there, yeah. the kind of you know. कहाँ yahan pe kya cultural और <laughs> religious rights तुम्हें पता नहीं है कि अगर एक लड़का और लड़की दोनों अलग-अलग caste के होते हैं, तो आज भी हमारे देश में उनको मार दिया जाता है, just because they belong to a different religion or caste.

look at his you know, speeches and the way he talks impression. to women specifically he treats women like commodities like you know an accessory to his power or something he's the united states modi ji <laughs> i think they're very similar uh, not very similar but um, they have uh, a lot of things in common donald trump has actually spoken very highly of our prime minister modi and the us-india relationship Why do you think Trump has spoken so highly of him? And they have this perception of Indians that we're not even like threatening. So maybe like he's got this good positive reaction towards Indians. जब कोई country एक superpower country के बराबर आने वाली आने होती वाली है, होती है या वो एक speed से बढ़ रही है जब पूरी दुनिया थोड़ी-थोड़ी down -थोड़ी जा रही है तो वहाँ का president तो करेगा ही ना? तो आज हम right? बराबरी के मुकाम पे आ चुके हैं तीन-चार साल पुरानी है ना? your to reaction towards Indians? Ting -tong. It's because they have the same political ideology. And what sort that? of relationship would you like to see between India and India? The America? way they work. I would like to see a good relationship because oh like, they're like this powerhouse. No one wants to mess with. You take an example of a bully, like you want to be, even though it's a bad thing. But well, you want to be in his good side so you're not the target, yeah. If, the, if Trump has said something good about us, they probably has some underlying benefit in that. Exactly, ladies. anyway, India is a growing economy. Yeah. You we have a lot of opportunities.

बोले और ऐसी चीज बोले जो कि वो एक्सपेक्ट करता है किसी से व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर पर्सन एंड इट्स नॉट द फॉल्ट बट यूर गिविंग एन आंसर मेरे हिसाब से जो बोलते हुए ही और मेरे को सुनते हुए ही लग रहा है कि वी आर द पर्सन इज बीइंग जजमेंटल एंड ही इज टॉकिंग अबाउट अदर पर्सन बींग रेसिस्ट एंड जजमेंटल एंड क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है आजकल अब hmm. आधे से ज्यादा दुनिया कॉलेज खत्म होने के बाद जितने भी मैं लोगों से मिल रहा हूँ ठीक है Canada. उनके पेरेंट्स हमें मिलते हैं तो वो यही बोलते हैं कि यार हम ना इनको पढ़ा के कैनाडा एंड इट्स इट्स काइंड ऑफ ऑल्सो अलार्मिंग फॉर इंडिया कि हमारा सारा जो टैलेंट है वो बाहर जा रहा है जिसके पास पैसा है वो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं और जो भी पॉलिटिकल या एजुकेशनल या स्किल्स uh, के हिसाब से देखा जाए तो वो उनको बाहर भेज रहे हैं मगर इंडिया जैसे जैसे अभी ग्रो कर रहा है और जैसे जैसे इधर इंडस्ट्रीज और सब कुछ जितनी स्पीड से इंडिया ग्रो कर रहा है और कोई कंट्री में और कोई जगह ऐसी ग्रो नहीं कर हो रही सो दीज पीपल वुड कम बैक आफ्टर स्टडिंग इन द यू एस एंड ऑस्ट्रेलिया मगर वो लोग वहाँ जाके इतने हाईली स्किल्ड कोर्सेज नहीं कर रहे हैं चूज कर रहे हैं और क्योंकि वो सस्ते हैं और वो वाले वहीं पर वो कोर्स कर रहे हैं जिससे वहाँ सेटल हो जाए सो दे विल बी लिविंग अ लाइफ देयर विच इज अ मीडियोकर लाइफ फॉर मी दे विल गेट क्वालिटी प्रोडक्ट साफ हवा क्वालिटी ऑफ लाइफ है मगर वो फ्रीडम और वो नहीं है छः दिन सात सात दिन पूरा काम करने के बावजूद वो लोग घर का काम पोछा झाड़ू मैंने आई हैव फ्रेंड्स जो कि बाहर जाके पैसा खर्च करके वापस आ गए क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल कभी हाथ से प्लेट नहीं उठाई राइट तो ये मुझे थोड़ा आप, सिनेरियो आप यहाँ पे आप शाही जिंदगी जी सकते हो और वहाँ आपको बहुत ज्यादा कमाने के बाद भी यू इवेंचुअली हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स योरसेल्फ तो अगर हम इस पूल को देखें तो मुझे लगता है कि इंडियन यंग पीपल शुड एक्चुअली गेट सम यू नो एक्सपीरियंस कि वो दो तीन महीने वहाँ जाके रहें या प्रॉपरली खुद जाके एक्सपीरियंस करें बिफोर दे मेक डिसीजंस ऑफ़ देर लाइफ्स की और या फिर हम यहाँ बैठे बैठे क्योंकि कई के अपॉर्चुनिटीज नहीं होती या वो यहाँ बैठे बैठे सोचते रहते कि मुझे वहाँ जाना था बट मैं जा नहीं पाया अपने पेरेंट्स की वजह से या पैसे नहीं थे या लोन नहीं मिला या जो भी है और वो पूरी जिंदगी थोड़ा थोड़ा अपने गुड ईयर्स ऑफ द लाइफ दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट कि मैं क्यों नहीं जा पाया और वो एक सैड पार्ट बन जाता है उनकी लाइफ का कि मैं तो यहाँ स्टक हूँ यहाँ तो सोसाइटी ऐसी है इट्स यू यू हैव टू गो आउटिंग न्यू एग्जैक्टली exactly. मुझे भी ऐसा ना पूरी वीडियो देख के मुझे दो फील आई एक तो हमने फुल जजमेंट पास किए जो कि मुझे बड़ा ही मजा आता है सुनने में क्योंकि मेरे इंडिया की तो बात नहीं है बट हाँ ऑन अ जनरल की है। कुछ कुछ चीजें जनरलाइज होती हैं बट हाँ अगर हम वैसा एक्सपीरियंस सुन दे तो हम एक वो बना लेते हैं कि हाँ उस देश में तो ऐसा होता है भैया ये जो भी है जो भी है ठीक है तो एक तो मुझे वो लगता है और दूसरा मुझे लगता है मेजरली लोगों को ना फैसिनेशन है कि यार फॉरेन कंट्री चले जाएं यूएस या लंडन ऐसी बड़ी बड़ी जगहें जहाँ की आजकल सोशल मीडिया से और सारे से ना बहुत सारी चीजें लोगों को पता चल गई हैं और नेटफ्लिक्स आ गया है, तो उनका लगता है पता नहीं वहाँ पे क्या ही हो रहा है वहां पे भी वही है भाई तो उनको ऐसा लगता है यहाँ से वहां जाके पता नहीं हमारी जिंदगी में क्या ही तब्दीलियां बदलाव आने वाले ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो फीलिंग अ लिटल लेस

कई लोगों के तो गोल्स ही यही हैं क्या करना है बस यार कॉलेज करके बाहर चला जाऊंगा क्या जाकर अगर मेरे को मेरे को घर में शांति नहीं मिल रही है और मैं ट्रिप ले लेती हूं एक दस दिन का मुझे वापस तो अपने घर में ही आना है ना बी इन पीस विद आई एम हम दोनों वो थे ना यंग अभी हम अपने को यंग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि बोल सकते हैं जब हम यंग थे ना तो मुझे एक चीज़ लगती थी कि मैं जब सोलो ट्रिप लूंगा ना तो मुझे शांति मिलेगी मैं वापस आऊँगा एक टाइम था मेरा आई वॉज बिटवीन जॉब्स अच्छा टाइम नहीं था वो तो मैं मनाली चला गया था तो मुझे वहाँ जाके वो एक्सपीरियंस किया तभी तो पता लगा ना वरना सुनने में तो वही होता है हम लोग सोलो ट्रिप जाएंगे कोई नहीं जाता है

सकते हो इसी के साथ हम चलते हैं एक और वीडियो देखेंगे ओके बाय कर देते हैं माता थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय